सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया, जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इस प्रस्ताव पर 64 वर्तमान और 7 पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा उड़ीसा मूल के हैं और जस्टिस मिश्रा के चीफ जस्टिस बनने को उड़ीसा के लोग अपना प्रेरक मानते हैं और कोई भी उड़िया ये कतई नहीं चाहेगा कि उड़ीसा का कोई भी राजनीतिक दल यहाँ के किसी मूल निवासी के खिलाफ जाए। अगर कांग्रेस ये कदम उठाती है तो हो सकता है कि दीपक मिश्रा का उड़िया मूल होने की वजह से ये कांग्रेस को भारी पड़ जाए और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस के कई राज्य स्तरीय नेताओं ने बताया कि उसका यह कदम सूबे में पार्टी को अलग थलग करने की स्थिति में ले आया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव को एंटी ओडिशा करार दिया है और कहा है कि केंद्र में अपनी सत्ता के दौरान भी कांग्रेस ने कभी ओडिशा के साथ न्याय नहीं किया, जो कांग्रेस की ओडिशा विरोधी सोच को दर्शाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर लोग लगातार कांग्रेस की किरकिरी उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस इसे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने की कोशिश में थी, जो उसे उल्टा पड़ गया। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।